हे फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं गूगल स्लाइड में। तो फटाफट देखते हैं, फास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है तो आप पैराग्राफ पे इंसर्ट मत करो, आपको कुछ लिखना पड़ेगा उसमें। मैं आपको कैसे बताता हूँ। अब जैसे मेरे को इसमें इंट्रोडक्शन इंसर्ट करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स में लिखूँगा तो भी मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर वर्ड आर्ट के थ्रू करता हूँ तो थोड़ा सा बेटर लगे मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे बेटर लग सकता है, मैं पहले इंसर्ट करता हूँ वर्ड आर्ट और मैं यहाँ लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, ये आ गया। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ जैसे येलो, अब मैं इसको बॉर्डर कलर दे देता हूँ, बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जैसे ये, तो अच्छा लग रहा है वैसे ही है, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर कलर देना है तो ये भी दे सकते हो, ठीक है, तो देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब आपको ये बॉक्स हटाना पड़ेगा, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर लग देता हूँ तो देखो ये क्या है, वो बॉक्स पीछे दिख रहा है, तो आपको वो बॉक्स डिलीट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं डिलीट, इसको पकड़ना, प्लस साइन आएगा, ये प्लस साइन आएगा भी, एक मिनट आया, इसको फिर माउस पे क्लिक करना, एक मिनट माउस पे क्लिक करना, डिलीट कर देना, वो हट गया। और यहाँ पे ये बॉक्स रख देना और हम क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जितना अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे उतना वो अच्छा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बनता है फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इसको छोटा और कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अब सही लगेगा, इसको ऐसे बीच में रख दो, हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप कोई टाइटल है तो मैं चाहता हूँ आप इंसर्ट करो वर्ड आर्ट के थ्रू, तो बहुत सुंदर लगेगा वो। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है द एंड, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिख दूँ द एंड, तो मैं पहले बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करूँगा तो ये बॉक्स दिखेंगे, तो बॉक्स डिलीट कर दिया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे द एंड, आ गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक ज़्यादा अच्छा रहेगा, आ गया। अब मैं और कुछ करना चाहता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट वन, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट वन, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा प्रोजेक्ट वन, अब यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ, या फिर कोई और कलर दे सकते हैं, रेड कर देता हूँ, रेड भी अच्छा लगेगा। और इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसके बॉर्डर की। और बॉर्डर में अगर आप कलर देना चाहें तो येलो दे सकते हैं, अगर येलो नहीं देना चाहें तो ब्लैक सही है वैसे, या फिर वाइट देना चाहे वाइट दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, तो बोल्ड हो गया, इटैलिक कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वो सब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज होती है कैसे हम स्लाइड में वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं, स्लाइड में वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं। तो इजी चीज है, मेरे को नहीं लगता कोई गड़बड़ चीज है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने लिखा, प्रोजेक्ट वन लिखा, तो ये वर्ड आर्ट के थ्रू मैंने किया, द एंड लिखा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आपको टाइप्स लिखना है आप इसमें भी लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो टाइप्स, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और फिर इसको थोड़ा सा लुक में चेंज कर दो, कलर दे सकते हो आप, इसको बॉर्डर दे सकते हो, इसमें भी कलर कर सकते हैं, इसमें एच में पूरा कलर कर दिया, उसमें बॉर्डर कलर ले लिया, पूरा टेक्स्ट कलर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे दे सकते हैं, मगर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं लगेगा, इसको फिर बॉर्डर दो, वो करो, इसमें थोड़ी सी मेहनत रहेगी। मगर वर्ड आर्ट में क्या होता है, सिंपल वे में आप लिखो और बस उसको कलर दो, बॉर्डर दो, और बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है वर्ड आर्ट इंसर्ट करना, कैसे वर्ड आर्ट, बहुत ईजी तरीका है, याद रखना ये चीज़, और इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट में अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।